गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इमेजिनेशन रियलिटी क्रिएट करता है। बहुत ही अच्छी छोटी सी स्टोरी है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही सुनी। नेविल गोडार्ड ने बुक लिखी है, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो रियल एग्जाम्पल हैं। तो जब हम इस तरह के एग्जाम्पल सुनते हैं तो हमें एक विश्वास क्रिएट होता है, बिलीव क्रिएट होता है, तो वो भी रीवायरिंग करता है हमारे ब्रेन की। और उसकी वजह से हम जितना विश्वास करते हैं उन चीज़ों में, हम उतने अच्छे से विजुलाइजेशन कर पाते हैं, उतने अच्छे से फील कर पाते हैं। तो मैं यही आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि एक छोटी सी स्टोरी जिस जो सिर्फ उसने वन टाइम इमेजिनेशन किया और उसको विद इन 2-3 डेज वो मैनिफेस्ट हो गया, और कैसे हुआ ये मैं आपको इस स्टोरी में बताने वाली हूँ। वैसे इमेजिनेशन जो है वो रियलिटी में बदलता ही बदलता है, नो डाउट, क्योंकि ये गॉड का बहुत बड़ा पावर है। इस पे हमको विश्वास करना ही चाहिए, और जिनको विश्वास नहीं वो एक बार विजुलाइजेशन करके देखिए, क्योंकि आप यकीन मानिए सिर्फ ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और ये 5 सेंसेस जो हम फील कर पाते हैं। इसके बियॉन्ड, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेंसेस हैं जो जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं रिसीव कर पाते, बट अगर हम उसको धीरे धीरे उन शक्तियों को डेवलप करना सीखें मेडिटेशन में, तो वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी खुशबू हैं, बट हम केवल गिनी चुनी खुशबू ही पहचान पाते हैं। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अपने सुप्रीम पावर को पहचान पाते हैं, वो बहुत सारी इस तरह की शक्तियां हासिल कर लेते हैं, और ये पॉसिबल है। तो आप यकीन मानिए विजुलाइजेशन रियलिटी में बदलता ही बदलता है, क्योंकि हम खुद जो हम सोचते हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर या उसमें चार्ज होता है, जो हम फील करते हैं उसमें मैग्नेटिक चार्ज होता है, और जो अर्थ है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही बनी हुई है। तो ये सब कुछ सिमिलर होते हैं, और जब हम ये चीज़ें एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, जो हमारी फीलिंग्स है या जो सोच है या हम जो इंटेंशन लेते हैं, और वो सब कुछ एनवायरनमेंट में जाती है और वहाँ मटेरियल चीज़ों का रूप लेती है। क्योंकि जितनी चीज़ें हमारे आसपास है इस तरह की या इस तरह की, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एटम्स से, एनर्जी से ही बनी हुई हैं, और वही हमारी वेव से, बस क्या होता है वो रूप उसके बदलते जाते हैं। तो अभी वो स्टोरी सुनते हैं। नेविल गोडार्ड ने जो चैप्टर लिखा है उसमें ही उन्होंने बहुत सारे रियल एग्जांपल दिए हैं। तो उनकी एक स्टूडेंट थी जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती थी और इस सबको फॉलो भी करती थी। तो उनकी स्टूडेंट की जो कज़न है वो जब उनके कांटेक्ट में आई, तो वो उससे बहुत उसको वो बहुत परेशानी में थी, उसकी कज़न बहुत दुखी थी। तो इन्होंने उनको उस दुख से उबारने के लिए सोचा कि चलो ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसको बताते हैं कि आप ये प्रोसेस करो और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, या जो भी आपकी तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी। तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसके जो हस्बैंड थे वो ऑफिसर थे, किसी अच्छे उसमें ड्यूटी करते थे, और उनका जो ट्रांसफ़र था वो चाहती थी कि फ्लोरिडा में हो, क्योंकि वो वहाँ रहना चाहती थी और वो शायद उनके लिए कन्वीनियंस थी वो, बट उनका जो ट्रांसफ़र था वो कहीं और हो रहा था, ऐसा उनको पता चला था। तो वो बहुत डिस्टर्ब थी, और फिर उन्होंने जब ये सुना कि वो बहुत परेशान है, तब जो नेविल गोडार्ड की स्टूडेंट थी जो विजुलाइजेशन के बारे में जानती थी, तब उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप ये विजुलाइजेशन कीजिए। तो उसको कुछ इसके बारे में नहीं पता था, तो वो दोनों ने मिलके, उन्होंने बोला चलो मैं आपको गाइड करती हूँ और हम विजुलाइजेशन करते हैं। तो उन्होंने साथ में बैठ के वो गाइड करती गई और उन्होंने विजुलाइजेशन किया। तो उसने जो विजुलाइजेशन किया उसमें उन्होंने बोला कि आप इमेजिनेशन कीजिए कि आप वहीं पे हो जहाँ आप रहना चाहते हो, फ्लोरिडा में आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो, और इवन उन्होंने उस सेंस भी फील हो, इस तरह से गाइड किया। जैसे उन्होंने बोला कि आप जिस जगह पे खड़े हो वो समझो सैंड है, सैंड मतलब रेत,
तो आप रेत के ऊपर खड़े हो और आपको वो ब्रीज जो आसपास की ठंडी हवा है वो महसूस हो रही है, पैर के तलवे के नीचे रेत महसूस हो रही है और वो ठंडी हवा भी महसूस हो रही है आपको। मतलब एक एक सेंस उन्होंने और उसमें वो सीन भी क्रिएट किया जिसमें उन्होंने वहीं अपने हस्बैंड को देखा फ्लोरिडा में, वो भी उनके साथ वहीं हैप्पीली रह रही हैं और वो इंजॉय भी कर रहे हैं उस मोमेंट को। तो उन्होंने धीरे धीरे गाइड करके, मतलब उन्होंने मेन जो है जो 5 सेंसेस हैं उनका अच्छी तरह से उपयोग किया। गाइडेड मेडिटेशन में यही होता है कि जब आप सेंस से फील करने लगते हो, मान लो आप गाना भी गुनगुनाना चाह रहे हो तो आपको वो गाने के लिरिक्स और वो साउंड वो सब कुछ सुनाई देने लगे, इतना विविडली और इतना रियल। अगर इमेजिनेशन करते हैं तो वो सच में रियल होता ही है। जैसे आप किसी ठंडे प्लेस का अगर विजुलाइजेशन करो कि आप बर्फ गिर रही है और वहां पे हो और 5 मिनट 2-3 मिनट तक अगर सोचते रहो तो आपको एक समय ऐसा आता है कि आपको सच में ठंड लगने लगती है। जैसे बोलते हैं ना, खाने की चीज अगर आपकी पसंद की चीज को आप याद करो तो मुंह में पानी आ जाता है। तो इसी तरह से आपको सेंस विद सेंस ये फील करना और विजुलाइजेशन करना है। तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और उसके बाद में उन्होंने वो प्रोसेस बंद कर दी और फिर वो अपने घर चले गए। वो अपने घर चले गए, उसके बाद क्या हुआ, विद इन 2 डेज ऑर्डर आया और उनके हस्बैंड का जो है फ्लोरिडा में ही ट्रांसफर हुआ। तो देखिए आप इमेजिनेशन का कितना जबरदस्त रिजल्ट है, कैसे काम किया। सिर्फ 2 दिन में ही वो ऑर्डर आया और उसमें फ्लोरिडा में ही उनको पोस्टिंग मिली और उसके बाद में फिर वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ शिफ्ट हुई। और वो जब जर्नी कर रही थी तो वो अकेली ही वहाँ पे गई, जो उनकी जिन्होंने सिखाया वो उनके साथ नहीं गई, जबकि इमेजिनेशन दोनों ने किया था। क्यों नहीं गई? क्योंकि जो सिखा रहा था ना उसका इंटेंशन नहीं था वहाँ जाने का, और जो खुद वहां जाना चाह रही थी उनकी कजन, उनका इंटेंशन था वहां जाने का। और वो बिल्कुल वैसा ही फील किया कि मैं वही हूँ, जबकि जो गाइडेड करवा रहे थे उन्होंने उनको वो फील वैसा नहीं उन्होंने किया। वो सिर्फ गाइड कर रहे थे, वो वहाँ है ऐसा उनको फीलिंग नहीं आई क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं थी। तो देखिए रास्ते में सफर में भी वो उनके साथ नहीं गई, उनको अकेले ही वहाँ जाना पड़ा। तो अब आप सोचिए कि कितना इजीली एफर्टलेसली ये काम करता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आप जरूर एक बार विजुअलाइजेशन कीजिए, और खासकर सोने से जस्ट पहले, क्योंकि उस समय थीटा ब्रेन वेव में हमारी जो माइंड रहता है वो थीटा ब्रेन वेव एक्टिव रहती है और वो सबकॉन्शियस माइंड का ही समझो दरवाजा है। तो जब हम उस समय ये करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल मान लेता है और उसको पूरा रियलिटी में लाने की पूरी कोशिश करता है, और आपका मैनिफेस्टेशन भी बिल्कुल इजीली और एफर्टलेसली होता है। ये काम करता ही करता है माय डियर फ्रेंड। तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी विजुलाइजेशन से ढूंढ सकते हो, बस उसको बहुत अच्छे से फील करना है और वो होता ही होता है। तो मुझे लगता है आपको स्टोरी से विश्वास बढ़ा होगा कि हाँ विजुलाइजेशन काम करता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।